हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यंगर एज। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। हाल ही में इसकी तरफ से एक नया वैकेंसी आया हुआ है, 2022 का पीओ पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। सबसे अच्छी बात है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड सैलरी यहाँ पे आपको 4,20,000 रुपीज पर एनम अप्रोक्स सैलरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूँ और कुछ छोटे बड़े अपडेट आते हैं एग्जाम से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखाता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख सकते हैं 28 नवंबर 2022 से 67 वाला बैच इसका स्टार्ट होने वाला है। तो अभी अप्लाई स्टार्ट है इसका, तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं, गेट अ जॉब ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम है, ये मणिपाल के साथ होता है, 1 साल का प्रोग्राम, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो सक्सेसफुली एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको आईसीआईसीआई बैंक में जॉब मिल जाता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करूँ तो 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है और ग्रेजुएशन होना 55% मार्क्स के साथ, कोई भी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते। स्टाइपेंड की अगर हम बात करूँ तो 1,77,000 से लेकर 2 लाख रुपीज तक आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिल सकता है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 4.2 लाख रुपीज से लेके 4.6 लाख रुपीज पर एनम यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, आपके लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आपको डिफर्ड अलाउंस भी मिलेगा, मतलब जैसे आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको जो है टोटल 60,000 रुपए मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट जो है बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। प्रोग्राम हाईलाइट की अगर हम बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग फॉर सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जो कि आपका 1 साल का होगा। इसमें आपका 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगा आईसीआईसीआई मणिपाल अकेडमी में, ठीक है, बैंगलुरु कैंपस में। फिर 2 मंथ का इंटर्नशिप होगा आईसीआईसीआई बैंक में एंड देन 6 मंथ का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा आईसीआईसीआई बैंक के किसी ब्रांच में, ठीक है। तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1.77 लाख रुपीज से लेके 2 लाख रुपीज तक। जैसे आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो प्रोबेशनरी ऑफिसर वाला, तो यहाँ पे आपको जो है डेप्यूटी मैनेजर बैंड 1 का ग्रेड मिल जाता है। देख सकते हैं, पहले 4 महीने आपको बैंगलुरु में रहना पड़ेगा मणिपाल अकेडमी, उसमें आपको 5,000 रुपए पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, 4 महीने तक। उसके बाद टर्म 2 में देख सकते हैं 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, 15 से 18,000 रुपए पर मंथ आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलेगा। देन टर्म 3 में 6 मंथ का आपका जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको 20,000 से 24,000 रुपए पर मंथ 6 महीने तक मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो पूरा का पूरा प्रोग्राम, देन आपको 4.2 लाख से लेके 4.6 लाख रुपीज पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोग्राम की टोटल फीस जो है 2,55,500 रुपीज है। इसमें आपके सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूडेड है, इसके ऊपर आपको पैसे नहीं लगेंगे। इसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं इस बैंक से, आपको आईसीआईसीआई बैंक आसानी से एजुकेशन लोन दे सकता है। तो आप देख सकते हैं आपको टोटल प्रोग्राम की फी लग रही है 2.5 लाख रुपीज, ठीक है। और आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपए 4 महीने की मिल रहा है, 20,000 रुपए यहाँ पे हो गए, 15,000 से 18,000 रुपए आपको 2 महीने का मिल रहा है, मतलब 36,000 रुपए मान के चलो या 30,000 रुपए मान के चलो, 20 और 30 50,000 रुपए हो गए। और यहाँ का आप देख सकते हैं 6 महीने के लिए 20,000 रुपए, तो 1,20,000 मान के चलो, ठीक है। तो 1,70,000 तो यहाँ पे आपको पूरे 1 साल में मिल ही गया, ठीक है। बाकी आपका लगा कितना इसमें से माइनस कर दो, 2.5 में से 1.7 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो उतना आपको टोटल अप्रॉक्स फी लगने वाला है पूरा का पूरा प्रोग्राम करने का, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं ईमेल और व्हाट्सएप पे 3 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट के बारे में, ठीक है। सो टोटल फी जैसे कि मैंने आपको बताया 2,55,500 रुपए है। इसमें आपका टैब कॉस्ट भी है, देख सकते हैं 19,500 रुपए का आपको एक टैबलेट मिलेगा, उस टैबलेट पे आपको पूरी क्लास अटेंड करना होगा, वहाँ पे क्लासेस ली जाएगी तो पूरा आपको अटेंड करना होगा उस टैबलेट पे, ठीक है। सो ऑनलाइन टेस्ट आपका 60 मिनट का रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपका 60 मिनट का रहेगा, मतलब 1 घंटे का रहेगा। उसमें आप देख सकते हैं वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों के 30-30 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, काफी इजी एग्जाम होता है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया गया है कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आए हुए आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सो काफी बढ़िया वैकेंसी आया हुआ है। सबसे अच्छी बात मैं आपको मणिपाल की बताता हूँ, वहां पे जो है आपका 4 महीने तक खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होगा वहाँ पे, ठीक है, सब कुछ इंक्लूडेड होगा उस आपके प्रोग्राम की फीस में। वहां पे आपको अनलिमिटेड वेजिटेरियन, अनलिमिटेड नॉन वेजिटेरियन फूड मिलने वाला है आपको डेली,
ठीक है। तो लाइफ काफी अच्छी होती है मणिपाल में, कॉलेज लाइफ जैसी आपको सारे के सारे चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो आपका जॉब होने वाला है हाईली सेल्स ओरिएंटेड जॉब है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम में ही कि ये सेल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सेल्स ओरिएंटेड जॉब है, मतलब आपको सेल्स का वर्क काफी ज्यादा करना होगा इसमें। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको अप्लाई नहीं करना है अगर आप सेल्स में वर्क नहीं करना चाहते तो, ठीक है। बाकी जॉब काफी अच्छा है, ये प्रोग्राम काफी अच्छा है, बहुत ही कम दाम में आपको ये प्रोग्राम करने को मिल रहा है। इसकी वैल्यू आपको बाद में पता चलेगी जब बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगता है बैंकिंग में, PGDBF वाला जो भी है, ठीक है। या इस बैंक में अगर आपने 2 साल तक काम कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो स्केल 2 ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये भी काफी सारे बेनिफिट होते हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज आएगा, आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद ये वाला पेज आएगा, इसमें अपना रिज्यूमे अपलोड कर देना है। डॉक एक्स या PDF फाइल में ही आपका जो है रिज्यूमे होना चाहिए। रिज्यूमे कैसे बनाना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वीडियो का, उस वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से आप अपना रिज्यूमे अच्छा खासा बना सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ग्रेजुएशन यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं, जेंडर पे क्लिक कर सकते हैं, देन अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, जो भी अगर कोई डिटेल मांगता है तो वो भी आपको फिलअप कर देना है, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, विद इन फ्यू डेज अगर आप शॉर्टलिस्टेड हुए तो ही आपको एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा, एग्जामिनेशन का मेल आएगा, एग्जाम आप घर बैठे दे सकते हैं या सेंटर चूज करके किसी सेंटर पे भी दे सकते हैं, ठीक है। 3 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सो यही आपको अपडेट देना था, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।